आज की वाणी 15/4/2022। मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आया है तुम्हें सबको भक्ति का फल दे दे। प्रश्न, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियों तोड़ने की सहज विधि क्या है? बाबा कहते हैं, मेरा तो एक शु बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सत संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो एकवे जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सका बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। गीते कितना मीठा कितना प्यारा शुभ भोला भगवान। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह का अभिमान छोड़। बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। दूसरा पर्व, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंतगड़ी में एक बात के सिवाय कोई भी याद ना आए। बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। वरदान, सौ सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त हो। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सौ उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वो सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है बैलेंसिंग। बैलेंस वाले को बैलेंसिंग नहीं, ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएगी। सर्व गुण मूर्त बनना है और सर्व को गुण मूर्त बनाना यही महादान है।